Assalamualaikum everyone. Eat Smart के एक नए एपिसोड में मैं अनीका आप सबको वेलकम करती हूँ. एक नई सुबह, एक नया दिन और एक ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम इस शो को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि वी टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ कैन ओनली बी अचीव इफ़ वी ईट हेल्दी. वी बिलीव इन आवर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए. और इसी वजह से हम बिलीव अपने वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ दैट येस वी कैन मेक अ डिफरेंस. इस शो की हमने यही थीम रखी है एंड स्पेशली व्हेन आई एम हियर आई कैन रियली रिलेट टू ऑल दोज पीपल हु हैव वेट issues because mere sath bhi all my life I've been struggling to you know maintain a certain weight but upar niche fluctuations sabki hoti hain. So my point is you don't have to get disappointed with yourself. Agar thoda thoda aap apne you know you feel ke you know it's making a difference, aapki thodi cheeze better ho rahi hain, to you know isse zyada acha feeling nahi hoti, isse zyada achhi feeling nahi hoti. So isi ke sath sath aaj ki recipes ki taraf chalte hain. Aaj hum banane ja rahe hain Moroccan fish cakes with lemon sauce as a starter and main course mein we're making chicken jambalaya. So dono cheeze banani hai but pehle jaake lene inke ingredients. Hello everybody. As you were watching the show, pe aapne dekha hoga hum grocery karne har dafa aate hain idhar and as you know aaj hum banane ja rahe hain chicken jambalaya. Okay, so sabse pehle humne aaj ka ingredient lena hai celery. इसका एक डिस्टिंक्ट सा फ्लेवर है बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू लव इट. सो वी आर गोना टेक दिस सेलरी, इट्स वेरी गुड इन लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर आल्सो. सो वी आर डन विद दिस. सो वी आर गोइंग टू फाइंड ब्राउन राइस. इधर ब्राउन राइस का एक पैकेट हमारे पास है. Okay, so we're here in our kitchen. Basically, we will make the Moroccan fish cakes first. Then we will make the lemon sauce and finally chicken jambalaya. Okay, first we have to take 300 grams of fish. White fish, you can take any fish. Take it boneless and make the fillets. You will get fresh fish and you can use frozen fish. Thaw karke. आपको एक ग्राइंडर चाहिए. आपने इस फिश को फिलेस को जो है इसमें डालना है और अब इन सब इन चारों पीसेस को हम डाल देते हैं ग्राइंडर में. नेक्स्ट हमने हमारे पास है पार्सले. पार्सले हमने लेने अराउंड 4 स्प्रिग्स आप ले लें. पार्सले को आप मोटा मोटा चॉप करेंगे. एंड्स जो हैं आपको यूज़ नहीं करनी. सो हाफ वे आपका जब हो जाए दैट्स इट. एडेड टू दिस हमने डाला पार्सले 4 स्प्रिग्स उसकी और 300 ग्राम्स हमने लिया था फिश फिलेस का. हाफ अनियन हमने लेना है, उसको भी आप डाइस कर लें और इसमें डाल दें. ये खुद ही ग्राइंड हो जाएगा. हाफ अनियन हो गया और अब हम सीज़न करेंगे. हमने सीज़न करना है सॉल्ट से अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. 1/4 टीस्पून शुड बी इनफ. अ पिंच ब्लैक पेपर, ये भी तकरीबन हाफ स्पून के से कम, 1/4 टीस्पून. थाइम हमने लेना है इसमें. थाइम मैं निकाल लेती हूँ. ये भी एक ड्राई हर्ब है और फिश के साथ थाइम गोज वेल. सो ये भी यू जस्ट मेक श्योर डोंट पुट टू मच ऑफ इट बिकॉज यू डोंट वांट द स्मेल टू डोमिनेट द फिश. हमने अ पिंच लिया है. तो हमने एक पिंच ली सॉल्ट की, एक पिंच ली हमने ब्लैक पेपर की और एक पिंच हमने लिया थाइम का. साथ में मैंने इसमें पार्सले डाला, मैंने हाफ अनियन डाला और 300 ग्राम्स फिश के डाले. अब इन सब चीज़ों को एक दफ़ा ग्राइंड करना है. एक दफ़ा आप चेक कर लें इस फॉर्म में आप बनाएं और देखिए ये स्टिक हो रहा है. जो मिक्सचर बना लिया है इसको निकाल लेते हैं और इसको एक पैन में रख लेते हैं. ये स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा रहता है, एज एन एपेटाइज़र आपका हो गया. और बिसाइड्स दैट अगर आपको बाइट साइज बनाने हैं आप वो बना के यू कैन कीप देम ट्रॉली में आपके रख सकते हैं, खाने के वक्त खा सकते हैं. वंस ट्वाइस अ वीक हम सबको रेकमेंडेड है कि हम फिश खाएं. एटलीस्ट यू नो इट्स वेरी गुड फॉर द बॉडी. इसको हम वापस से मिक्स करेंगे. अब आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है हाफ कप ऑफ ब्रेड क्रम्स. हाफ कप ऑफ ब्रेड क्रम्स को हम
आप ब्राउन ब्रेड के क्रम्स बना लें, ब्राउन ब्रेड लेके फ्रेश घर पे, एक दो दिन पुरानी, उसके आप क्रम्स बना लें, या आपके पास वाइट ब्रेड हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. We'll take half a cup of this. Just spread it on a plate and एक एग लेकर उसको बीट कर लेते हैं. बीट कर लेते हैं. हमने देखा, हमने इस बार में चिकन की डिशेस बनाई, बीफ की बनाई, प्रॉन की बनाई, फिश की बनाई. Just to show you that you can eat everything, but in a specific amount, not too much of it. Lightly, हम इसको beat कर लिया हमने egg को. अब ये इतनी easy है कि अब we are just going to start making it, cooking it. I'll just clear my counter a little bit. चीज़ को इधर रख देती हूँ. एंड अब चलते हैं इस तरफ और आपको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे इन fish cakes को बनाना है. आप एक अपना handful ले लें और उसको रफली हाथ से, ये साइज़ आपने बनाना है एक फ़िश केक का. और जैसे फ़िश होती है, फ़िश केक उसको नाम इसीलिए दिया जाता है बिकॉज यू नो यू ग्राइंड इट और उसका फॉर्म जो है वो बदल जाता है. अदरवाइज फ़िश, हम फ़िश फिंगर्स भी खाते हैं, सब खाते हैं, बट एक डिफरेंट लुक उसको दे दें तो वो चीज़ ज़रा सी अच्छी भी लगती है. सिर्फ आपने उसको लाइटली कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से और एक हम टेबल स्पून या एक टी स्पून के करीब आप ले लें ऑलिव ऑयल. And spread it onto your pan nicely. और एक एक करके आप अपने फिश केक को इस पर रखते जाएं. अब थोड़ा सा गर्म हो रहा है, सो आई विल वेट जब तक मैं बाकी बना लेती हूँ. मुझे अब लग रहा है कि तेल हल्का हल्का गर्म होने लग गया है. आप देखिए, लाइटली बिल्कुल कोट किया है, कोई ऐसी इसमें एक्स्ट्रा नहीं. इसको अब हम, तो मैं इसको जितनी देर कुक करके शो करती हूँ आप लोग, तब तक इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डू प्लीज़ गो क्विकली डू दैट, कम बैक एंड यू नो जॉइन अस, यू आर वॉचिंग ईट स्मार्ट. ओके, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हमने आज बनाए मोरक्कन फिश केक्स और उसके साथ लेमन सॉस बनानी है. फिश केक्स रेडी हैं, अभी इनको हम गार्निश करेंगे. अभी सिर्फ मैंने इनको पैक ड्राई किया है. अब हमने क्या करना है कि इसकी फिश सॉस बनानी है, जो लेमन सॉस. एंड लेमन सॉस कैसे बनाएंगे, हम एक सॉस पैन लेंगे एंड सॉस पैन में हमने डालना है अ टी स्पून ऑफ बटर. अब लो फैट बटर मिले तो वो ले लें, टी स्पून ऑफ बटर. एंड इसमें हमने फौरन जो है ऐड करना है एक क्लोव ऑफ गार्लिक. या मैं देखती हूँ, गार्लिक हमारे पास ये है, इसको आप छोटा छोटा चॉप कर लें. आपने इसमें डालना है गार्लिक एंड गार्लिक डाल के अब ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, तो इसमें हमने फिर ऐड करना है फ्लावर. और फ्लावर हमारे पास इधर है, बेसिक ऑल पर्पज़ फ्लावर लेंगे हम. इसमें अब मैंने ऐड करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगेगा तो यू हैव टू ऐड अराउंड अ टी स्पून ऑफ फ्लावर. ठीक है, और इसको फौरन हम मिक्स करेंगे क्योंकि ये कर्डल आप होके एक बॉल का फॉर्म कई दफ़ा हो जाता है इसका. यू जस्ट हैव टू कीप मिक्सिंग इट वेल. इसी तरह वाइट सॉस बनती है, बट बिकॉज हमने यहाँ लो फैट मिल्क लिया है एक कप, तो हम इसमें डालेंगे बटर. आप लो फैट ले सकते हैं. एंड वी आर नॉट एडिंग एनी चीज़, वी आर नॉट एडिंग एनी क्रीम. सो इसमें हमने अब ऐड करते हैं मिल्क को, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे. जितनी देर ये मिक्स होता है मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ. हमने सॉल्ट डालना है थोड़ा सा. आपने देखा, इस दफ़ा सॉल्ट में मैंने बिल्कुल लाइक जितना कम डाल सकती हूँ उतना डाल रही हूँ. ब्लैक पेपर अ पिंच और मेन जो हमारा है लेमन जूस, वो हमने ऐड करना है इसमें. और लेमन जूस आप डालेंगे अराउंड टेबल स्पून और फौरन मिक्स करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इसमें दूध डला हुआ है और दूध में वो कर्डल अप हो जाएगा.
This sauce is ready. आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और जितना थोड़ी देर आप इसको रखेंगे तो वो वैसे ही आपको फील होगा कि यू नो ये थिक हो ही जा रही है वो तो आपने स्लाइटली टूवर्ड्स जो है इसको लिक्विडी ही रखना है सो दिस इज़ डन आई एम गोइंग टू स्विच दिस ऑफ एंड पोर इट इन टू दिस बोल दिस इज़ रेडी नाउ हमारी मोरक्कन फिश केक्स विद लेमन सॉस इज़ रेडी अब प्रिपेयर करते हैं हम अपना मिक्सचर जो है अपना नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम बनाने जा रहे हैं चिकन जंबलाया चिकन जंबलाया आप सोच के कह रहे होंगे व्हाट्स जंबलाया बट व्हेन यू जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर और उसको कुक करते हैं तो उसी से इसका नाम ये यू नो ओरिजिनेट हुआ है हमने सबसे पहले इसमें डालना है अ टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल दैट्स इट और जैसे ये गर्म होते हैं तो इसमें हम चिकन और बाकी फिर काट लेते हैं चीज़ें जो हमें चाहिए हमें हाफ जो है अनियन चाहिए है एक क्लोव गार्लिक का ही चाहिए सेम गार्लिक और अनियन जो है दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आई फील हर खाने में शुरू में बनाने से पहले डलते हैं और उनसे उनके बगैर जो है कई खाने जो हैं उनका टेस्ट ना आए जैसे स्पेशली आप चाइनीज़ खाने खाते हैं या आप लेट्स से जापानीज़ खाते हैं तो उसमें गार्लिक का इतना इस्तेमाल है और इतना उससे फ़र्क पड़ जाता है स्पेशली फॉर पीपल हु डू लाइक गार्लिक ओके मैं यहाँ अनियन को भी जो है वो चॉप कर रही हूँ इस तरह चॉप कर दिस इज़ डन तेल भी थोड़ा आई फील गर्म हो गया होगा तो इसमें हम सबसे पहले गार्लिक डालते हैं दिस इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक बिसाइड एवरीथिंग एल्स कि आई रियली इन्जॉय कि इसका कुकिंग टाइम हमारा नेचुरली ज़रा ज़्यादा हो जाता है एंड हमें हर चीज़ जो है वो बार बार करनी पड़ती है सो व्हाट आई विल डू इज़ कि ये इन दोनों चीज़ों को मैंने प्याज को और गार्लिक को इसमें डाल दिया है मैं इसको इधर सौते करती हूँ सो दैट यू नो इसको अगर थोड़ा टाइम लगे तो मैं जितनी देर ब्रेक भी ले लेती हूँ एंड वापस आके आपको इसकी बाकी रेसिपी बताती हूँ सो आई विल जस्ट सी यू वेरी सून नाउ सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था और वो ये था कि हमने एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में डाला था एक गार्लिक क्लोव और एक हमने डाला था हाफ अनियन या सो ये दोनों चीज़ें डाली थी वो सॉटे हो रहा है सो मैंने कहा इतनी देर में आपको बता दूं कि मैं इसमें कैप्सिकम भी डालूंगी तो कैप्सिकम